अनवर पाशा, ये चुनावी तिगड़म थी जैसा डॉक्टर तनुज कह रहे हैं, या फिर ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस भी है? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, ये बात उसको शोभा नहीं देती। उसकी अपनी पार्टी के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं, क्या कभी उसके बारे में ईडी ने कभी संज्ञान लिया? कभी कोई केस ईडी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर? नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए पिछले 10 वर्षों में अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए तमाम हथकंडे उठाए। तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इवन इलेक्शन कमीशन, इन सब का इस्तेमाल किया और इन सब का इस्तेमाल करके विरोधियों को ध्वस्त करने का काम किया। नहीं, ये तो सदा सदा से होता आया ना। हालांकि ये कहना प्रोफेसर अनवर पाशा बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है अपने देश की जाति व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन ये तो होता आया। मुलायम सिंह ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि कांग्रेस से बचकर रहने की जरूरत है, नहीं बच सकते, ईडी सीबीआई पीछे लगा देती है। ये आप तो बड़े लंबे साथी रहे उनके। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ विरोधियों को चुन चुन करके, तमाम विरोधी नेताओं को चुन चुन करके जेलों में डाला जाए, उन पर केस किया जाए, उन पर ईडी लगाया जाए, उन पर सीबीआई लगाया जाए। और इलेक्शन कमीशन का जितना दुरुपयोग शर्मनाक तरीके से हुआ है पिछले इलेक्शन, वो सबके सामने है, उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इंटरनेशनली उठ रहे हैं उस पर सवाल। आज सिसोदिया जी को जो बेल मिला है और बीजेपी के तमाम कोशिशों के बावजूद, ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निहायत शर्मनाक है। तो और आज श्रीवास्तव, ठीक है प्रोफेसर अनवर पाशा, चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं है को चुन चुन कर जेल भेजने का, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तल्ख टिप्पणी कर दी कि ये मौखिक उठाकर चले आते हो, बाकायदा मैं लेकर भी आई हूँ ये टिप्पणी, मौखिक साक्ष्य ना लेकर आए, ठोस सबूत आधारित मुकदमे दर्ज करें, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और ये भी कह दिया कि प्रोसिक्यूशन आपको अभियोजन और सबूतों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको लगता है कि मामला बनता है तो अदालत में प्रूफ भी करना आप ही को पड़ेगा, ये परसों ही कहा। इससे बड़ी लताड़, देखिए मैं बिल्कुल आती हूँ प्रोफेसर अनवर पाशा, इससे बड़ी लताड़ क्या हो सकती है? इससे बड़ी लताड़ हो सकती है ईडी के लिए, ठीक है प्रोफेसर, गवर्नमेंट की एजेंसीज के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, इससे बड़ी लताड़ क्या हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? ये बात ठीक है प्रोफेसर, पीएमएलए है, ठीक है ठीक है, ये पीएमएलए, मैं जरा सा एक मुझे कुछ सेकंड दीजिए, पीएमएलए जो है, पीएमएलए में कुछ एडिशंस किए गए, कुछ प्रावधानों के एडिशंस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किए, और उसमें से एक ये था कि जब तक ईडी नहीं चाहेगी बेल नहीं मिलेगा, अगर ईडी अपोज करेगी तो बेल नहीं मिलेगा, ईडी अगर अपोज नहीं करेगी तभी उस केस में बेल मिलेगा, ये एडिशन किया था भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने, और सिर्फ इसलिए कि ईडी उनके इशारे पर नाचती है। ईडी कुछ नहीं है, सर्वे सर्वा मोदी जी हैं, आज सारे फैसले मोदी जी करते हैं, सारे फैसले पीएमओ में होते हैं। ठीक है सर, ब्रजमोहन जी, ये विपक्षियों को चुन चुन कर जेल भेजने की कवायद दिखती, भाई विजिबल तो यही दिखता है, कोई कह रहा है तो गलत तो लगता नहीं। गरिमा जी, ऐसा नहीं है, मैं मध्यप्रदेश के बारे में बता सकता हूँ, वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, वो एक लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ